गाजा में अभी भी कई जगहों पर हमास और इजरायली सेना के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड इजरायली सेना पर कई बड़े हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हमास ने एक और नया वीडियो जारी किया है जो पूर्वी जबालिया का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सेना के वॉच टावर और इजरायली सेना के जमावड़े पर हमले कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुद्स का एक लड़ाका दूर खड़े इजरायली वॉच टावर पर घात लगाकर एक के बाद एक ऑटोमेटिक मशीन गन से कई हमले कर देता है। हालांकि हमले के बाद इजरायली सेना का वॉच टावर बच गया या फिर मिट्टी में मिल गया, इसकी कोई पुष्टि इजरायली सेना की तरफ से नहीं हुई है। इसके अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें जमीन से एक के बाद एक कई रॉकेट फायर होते हुए दिख रहे हैं और ये रॉकेट संभवतः इजरायली सेना की तरफ दागे जा रहे हैं। कुछ रॉकेट्स दिन में तो कुछ रॉकेट्स को रात के अंधेरे में दागा जा रहा है और इन रॉकेट्स के फायर होने के बाद वीडियो में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से इन रॉकेट हमलों को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई और ये रॉकेट्स कहां पर गिरे और इनसे कितना नुकसान हुआ, इसकी भी कोई सटीक जानकारी इजरायली सेना की तरफ से नहीं दी गई है। Inside.